नमस्ते सर, सर आपसे मिला बहुत खुशी हुई है। सभी लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं कि आप साइकिल से आ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है सर आप और ये जो साइकिल से आप यात्रा कर रहे हो उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ सर पहले। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है जी। मैं गांव अवलाना जिला सोनभद्र हरियाणा का निवासी हूँ जी। और मैं साइकिल यात्रा के लिए भारत भ्रमण के लिए निकला हूँ, जिसका मेरा मेन जो मुख्य उद्देश्य है कि आज जो हम केमिकल और यूरिया डीएपी से खेती कर रहे हैं उसको धीरे धीरे किसान को सलाह देनी कि आप केमिकल को धीरे धीरे कम कीजिए और एक जैविक खेती की तरफ जाइए। क्या बात है, जैविक के लिए करिए सर। जैविक खेती के लिए जिस जो आज हमारे कैंसर का कारण बना हुआ है, इसका जो मेरे को एक मोटिवेशन मिला है हमारे हरियाणा से पंजाब से, वहाँ से एक ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन, जिसमें 75% जो है वो कैंसर के मरीज होते हैं और उनका जो पेशेंट है उनका किराया 75% मतलब सब्सिडी पे मिलता है। तो वहाँ से मैंने मोटिवेट हुआ कि अगर हमारे हरियाणा इस स्थिति में हो चुका, मतलब इससे प्रॉब्लम से गुजर है, तो आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं कि जब पूरा भारत गुजरेगा उस चीज से, तो उसी को ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए। और दूसरा मेरा उद्देश्य है जो आज किसान वैज्ञानिक और अधिकारी के बीच में जो दूरी और की है उसको कम करने का काम मैं कर रहा हूँ। तीनों को मैं जोड़ता हूँ, जगह जगह घूमता हूँ, किसानों की प्रॉब्लम वैज्ञानिकों का रिसर्च को आपस में जोड़ने की मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया सर, तो कितने समय से आप कर रहे हो सर? मैं एक साल से कर रहा हूँ। पिछले एक साल में मैंने हरियाणा में 9 महीने में 11,600 किलोमीटर चलाऊ साइकिल से, और अभी राजस्थान में मैं 23 फरवरी से आया था, जिसमें मैंने अभी 1100 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ राजस्थान में। कितनी यात्रा करने का लक्ष्य है सर आपका अभी वर्तमान में? तो अभी जैसे मैं अभी 20 तारीख तक मैं राजस्थान को कंप्लीट करके वापस चला जाऊंगा, जिसमें 2200-2100 किलोमीटर होगा। फिर 25 तारीख से मेरी हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, वो 3200 किलोमीटर की वो यात्रा 25 मार्च से स्टार्ट होगी दूसरी। और सबसे खुशी की बात ये कि ये जो साइकिल है और जितनी भी इसमें जो भी मेरा खर्चा है पूरा पब्लिक के द्वारा, किसान, वैज्ञानिक, अधिकारी, भाई लोग, जो भी आप लोग जैसे भाई लोग, उन्होंने 1-1 रुपया चंदा दे के साइकिल खरीद के उन्होंने मुझे ये दान दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात सर। ये बहुत बड़ा विषय आप लेके चल रहे हो और निकले जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए, ये पहली बार आपने ऐसी आपके अंदर सोचना मिली और ऐसा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत अपेक्षा रखते हम और ऐसा और आगे करते रहे हम भी जहाँ तक हो सके। आप जो कह रहे हैं हम जैविक खाद के लिए ही सर। हाँ, जैसे भी ये भाई आपके यहाँ के यहाँ से भाई हैं, ये जैविक खेती कर रहे हैं अभी खेती के लिए, अभी एक साल से कर, जैसे इनसे भी थोड़ी सी बात हुई, अभी शाम को बैठेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में भी। अभी एक साल से अभी जैसे बोल रहे थोड़ा मार्केट में मदद चाहिए, मार्केट में एक तरफ से ये साइकिल मार्केटिंग भी कर रही है। मैं सिटी में बैठता हूँ साइकिलिस्टों के पास सबके पास, क्योंकि देखो शहर में पैसा बहुत है।